रात के करीबन 1 बज रहे थे। सब तरफ अंधेरा छाया हुआ था। खाली सड़कों पर कुत्ते भौंक रहे थे। शहर में पुलिस की गाड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। समीर और आयशा दोनों मियां बीवी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी घर की डोरबेल बजी। यार इतनी रात को कौन आ गया? आयशा नींद से उठते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, अरे कोई नहीं, रॉकी होगा। अभी 10 मिनट पहले उसका फोन आया था। उसके फ्लैट की चाबी मेरे पास है, बस वही लेने आया है। समीर बेड से उठते हुए आयशा को बोला और वो चाबी लेकर दरवाजे की तरफ चला गया। डोरबेल अभी भी बजनी चालू थी। आयशा बेड पर सो रही थी, पर तभी उसने समीर की चीख सुनी। उसकी चीख सुनकर वो जल्दी से बेड से उठ गई। क्या हुआ समीर? उसने घबराते हुए जोर से समीर को आवाज लगाई, लेकिन समीर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसलिए वो भागती हुई दरवाजे के पास पहुंची और आगे का नजारा देख उसके होश उड़ गए, क्योंकि फर्श पर खून के धब्बे थे। घर का दरवाजा खोला था और फर्श पर से खून पर घसीटने के निशान घर के बाहर की ओर जा रहे थे। आशा की दिल की धड़कनें बढ़ गई। डर के मारे वो कांपने लगी। वो उस निशान का पीछा करते हुए आंगन में पहुंची, जहां पर उसने देखा कि एक काली जैकेट पहना आदमी समीर की लाश को घसीटते हुए कार तक ले गया है और उसके हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी है। उस आदमी का सिर होड़ से ढका हुआ था और चेहरे पर कैट मास्क था। आशा को पता था कि वो कार रॉकी की है। रॉकी? आशा ने घबराते हुए उस आदमी से कहा। वैसे ही कुछ सेकंड्स रुककर उस आदमी ने सिर हिलाया। वैसे आयशा के चेहरे पर मुस्कान आई। वह खूनी की तरफ भागते हुए गई और उसे गले लगाते हुए बोली, ओ हनी, लेकिन हम तो इसे कल मारने वाले थे ना। तभी उसकी नजर कार में ड्राइवर सीट पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर सीट पर खुद रॉकी की लाश खून से सनी पड़ी थी। वो उस खूनी से दूर हो गई। कौन हो तुम? आशा ने उस खूनी से पूछा। तभी उस खूनी ने उसके गले पर कुल्हाड़ी से वार किया और आयशा का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका कटा सिर जमीन पर गिर गया। वह खूनी उसके कटे सिर के पास गया। आयशा के कटे सिर की आंखें और मुंह दोनों खुले थे। चेहरे पर और खुली आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। खूनी ने उसके सिर के बालों को पकड़ा और उसे अपने झोली में डाला। दूसरे दिन एक घर में टीवी पर खबरें चल रही थी। इंस्पेक्टर शिंदे रिपोर्टर से घिरे हुए थे। सर सर, ये शहर की खून की 7वीं वारदात है और अभी भी खूनी का पता नहीं चला है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो खून है वो सब एक ही इंसान ने किए हैं। उसने अब तक 11 लोगों की हत्या की है, जिसमें 7 औरतें और 4 मर्द शामिल हैं। किलर ने 7 औरतों का सर काटकर हत्या की है और हत्या के बाद वो औरतों का सर अपने साथ ले जाता है, जबकि मर्दों के सर जैसे के तैसे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि किलर औरतों से ज्यादा नफरत करता है और उसने ऐसे मर्दों की हत्या की है जो इन औरतों से प्यार करते थे और हत्या के वक्त वही मौजूद थे। जैसे कि कल रात घटी इस घटना में उसने महिला के पति और उसके आशिक दोनों की हत्या कर दी है। लेकिन सर, ये सीरियल किलर कौन हो सकता है? जिस तरह से ये खून किए गए हैं, इससे तो खूनी सनकी और दिमाग का मरीज लगता है, जो कि महिलाओं और लड़कियों से बहुत बुरी तरीके से नफरत करता है। या तो वो वन साइडेड लवर, या फिर प्यार में धोखा खाने वाला, या फिर अपनी पत्नी से धोखा खाने वाला आदमी होने के चांसेस ज्यादा है। सर, शहर में अफवाह फैली हुई है कि पुणे के पागल खाने से एक मरीज भागा है, जिसने अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग किया था, और ये खूनी वही मरीज है। देखिए, हमारी जांच चल रही है, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मैं बस शहर वासियों से अपील करूंगा कि वो रात को घर से बाहर ना निकले और किसी भी अजनबी आदमी के लिए घर का दरवाजा ना खोले, और अगर उन्हें किसी भी इंसान पर शक आए तो तुरंत पुलिस को फोन करें। इतना कहकर इंस्पेक्टर शिंदे वहां से चले गए। तो ये थे इंस्पेक्टर शिंदे। शहर में लोगों के बीच दहशत फैली हुई है और लोग ये सोचने लगे हैं कि ये शहर शापित है, क्योंकि शहर में पिछले 50 साल में 5 सीरियल किलर्स ने दहशत मचाई है और ये 6ठा सीरियल किलर है। इससे पहले 2007 में इसी शहर के एक महिला ने 30 हत्याएं की थी, जिसमें बूढ़े बच्चे और मर्द भी शामिल थे। रिपोर्टर आगे बोल ही रहा था कि तभी कैट मास्क वाले किलर ने टीवी ऑफ कर दी। उसने थैली से आयशा का कटा सिर निकाला और अलमारी खोली, जिसमें बोतलों में कई औरतें और लड़कियों के सर थे। उसने एक खाली बोतल में आयशा का सर रख दिया। रात का समय था।
शहर में पुलिस की गाड़ी की सायरन बज रही थी। सीरियल किलर की वजह से पूरे शहर में 9 बजे के बाद कर्फ्यू जारी कर दिया गया था। शहर के सुनसान गलियों से पुलिस की कारें कंट्रोल कर रही थी। शहर के शांति नगर के नुक्कड़ पे दो कांस्टेबल पेट्रोलिंग कर रहे थे। लक्ष्मी नगर एक विकसित एरिया था, इस वजह से हर दो घरों के बीच में काफी दूरियां थी। इस सीरियल किलर ने नाक में दम कर दी है यार। अभी अभी मेरी नई शादी हुई है और मैं मेरी पत्नी आई और बाबा को छोड़कर यहाँ ड्यूटी में उलझा हुआ हूँ। वैसे आई की ज़्यादा चिंता नहीं है क्योंकि किलर ने बूढ़ी औरतों पर कोई हमला नहीं किया है, लेकिन मेरी पत्नी, उसी की ज़्यादा चिंता हो रही है। हाँ वो तो है, मुझे भी मेरी बेटी आई और पत्नी की बहुत चिंता सता रही है। ना जाने वो उन सिरों के साथ क्या कर रहा है, दिन भर उन्हें देखता रहता है या फिर उनका भेजा निकालकर तवे पे फ्राई करके नमक लगाकर खा रहा है या फिर कुत्तों को खिला रहा है। बता नहीं सकते भाई, लोग बड़े बावले हो रखे हैं आजकल। वो दोनों कांस्टेबल बोल ही रहे थे कि तभी उन्हें लगा कि उनके पीछे से कोई गुजरा है। उन्होंने डर के मारे मुड़कर देखा, तभी एक झाड़ी के पीछे से बिल्ली की आवाज आई। वैसे वो दोनों ही सुकून की सांस लिए। बिल्ली है, वो बोले, और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। उसी कॉलोनी में जन्नत बंगलो नाम का एक दो मंजिला बंगलो था। एक गाउन पहनी हुई औरत दूसरे मंजिल के बालकनी में आई और खड़े रहकर रात की खुली हवा में अपने गीले बाल सुखा रही थी। शायद उसने अभी शावर लिया था। तभी उसने देखा कि कंपाउंड वॉल के बाहर वाली झाड़ी हिल रही थी। वो औरत घबरा गई और डर कर कमरे के अंदर चली गई। तभी उस झाड़ी के पीछे से कैट मास्क वाला किलर बाहर निकला। वो आज फिर से शिकार पर निकला था। अब उसे सिर्फ उस औरत का सिर चाहिए था और इसके लिए किसी भी हद तक गुजरने की उसने सोची। उसके और उस औरत के बीच जो भी आए उसे रास्ते से हटाने की उसने ठान ली और कंपाउंड वॉल से बंगलों के आंगन में कूदा। बंगलों के चारों ओर चक्कर काटने के बाद उसने देखा कि बंगलों का पिछला दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उसने दरवाजे को जरा सा धक्का दिया और बंगलों में घुस गया। अंदर की सभी लाइट्स बंद थी। वो सीढ़ियों से दूसरे माले पर पहुंचा। एक कमरे का दरवाजा खुला था, अंदर लाइट्स चालू थी। उसने जेब में रखा चाकू बाहर निकाला और कमरे के अंदर झांक कर देखा। उसे वो औरत आईने के सामने कुर्सी पर बैठी हुई मिली। वो देखने में बड़ी सुंदर थी। वो आज बहुत ज्यादा खुश थी और कुछ गुनगुना रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है और उसका सिर कुछ ही देर में कैट मास्क किलर के हाथों में होगा और दूसरे दिन कांच के बोतल में। कैट मास्क किलर ने जोर से सांस ली और हाथ में चाकू पकड़कर वो उस औरत की तरफ भागा। उस औरत को पता चला कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह लंबा चाकू उसकी गर्दन में धंस गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया। वह उस किलर के मास्क की तरफ देखने लगी। उसे देखना था कि उस भयानक मास्क के पीछे कौन है, और उसने उस किलर के चेहरे से मास्क हटाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो किलर एक नौजवान लड़की थी। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तभी किलर ने उस औरत को छोड़ा। वो औरत कुर्सी पर गिर गई। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है कि शहर में हुए 11 खून एक लड़की कर सकती है। ओह, तुम्हारे मन में सवाल आ रहे होंगे कि मैं ये खून क्यों कर रही हूँ, किलर ने कहा और उसने अपने सिर पर ओढ़ी हुई हुड निकाली। वैसे वो औरत एक बार फिर चौंक गई, क्योंकि उस लड़की के सिर पर एक भी बाल नहीं था। वो गंजी थी। कुछ देर पहले हुड से ढका सिर उसका गंजापन ढक रहा था और वो सुंदर दिख रही थी, लेकिन अब वो दिखने में बहुत ही बदसूरत लग रही थी। हाँ, मैं गंजी हूँ, मेरे सिर पर बाल नहीं है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ। जब भी मैं अपने सामने किसी औरत या लड़की के लंबे बाल और खूबसूरत बाल देखती हूँ तो मुझे उनसे नफरत होने लगती है। मुझे उन लंबे बाल वाली लड़कियों से चिढ़ है,
जब मैं देखती हूँ कि वो अपने पति या बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है तो मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे उन औरतों का सिर काटने को जी करता है, क्योंकि इन्हीं लंबे बाल वाली औरतों और लड़कियों की वजह से लोग मुझसे प्यार नहीं करते थे। जब से पैदा हुई हूँ तब से सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं। जब जवान हुई और लड़कों के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ा तो लड़के भी मुझसे दूर भागने लगे। बाल न होने के कारण लोग मुझे लड़की ही नहीं समझते हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि मैं माँ पापा और बहनों के प्यार के लिए तरस गई थी। मेरी बहन मुझसे बात भी नहीं करती थी, क्योंकि लोग उसे मेरी बहन होने के कारण चिढ़ते थे। मैं उनके प्यार तक को तरस गई थी, इसीलिए मैंने विग लगा ली। लेकिन फिर भी लोग मुझे गंजी ही बुलाते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। इसीलिए मैंने शहर छोड़ा और दूसरे शहर में पढ़ने चली गई। वहां मुझे एक लड़के से प्यार हुआ, वो भी मुझे चाहता था। हम दोनों रिलेशनशिप में आए, लेकिन एक दिन उसे पता चल गया कि मेरे बाल नहीं है, मैं गंजी हूँ। इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया और हमारे ही कॉलेज की एक लड़की के साथ उसने शादी कर ली। उस लड़की के लंबे बाल थे और मैं गंजी थी, इसीलिए उसने मुझे छोड़कर उससे शादी कर ली थी। तभी मेरी लंबे बालों वाली लड़कियों और औरतों से उनसे प्यार करने वाले लड़कों के प्रति नफरत और भी बढ़ गई। और एक दिन मैंने हमारी नौकरानी का ही सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उसके भी बाल लंबे और घने थे। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। मैं उन लड़कियों का सिर काट देती हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ बाल ही काटे तो वो फिर से उगाएंगे। मैं उन औरतों के सिर बोतल में बंद करती हूँ और रात दिन उन्हें देखती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि इनका नसीब कितना बुरा है कि सिर्फ लंबे बाल होने के कारण इनका बेरहमी से कत्ल हुआ। लेकिन मैं नसीब वाली हूँ, क्योंकि मेरे तो बाल ही नहीं है। तुम जैसे लंबे बाल वाली औरतों को जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि तुम लोगों को इन बालों पर घमंड है। तुम्हें हम जैसी लड़कियों के दर्द पर हंसने के अलावा कुछ नहीं आता। वो औरत फटी आंखों से किलर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। दर्द उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। किलर ने उस औरत की गर्दन से चाकू बाहर निकाला। वैसे गर्दन से खून की छींटे निकली और उसके बाद उसने बड़ी ही बेरहमी से उस औरत का गला काटा। उसके बालों को पकड़कर उसका सर अपने साथ थैली में डाल दिया। अब फर्श पर केवल उस औरत का खून से लथपथ कटा शरीर पड़ा हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से मुड़ के देखा तो एक 6 साल की छोटी लड़की हाथ में डॉल पकड़े खड़ी थी। किलर बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसकी तरफ देखकर हंसी। वैसे ही वो लड़की दूसरे कमरे में भागी। किलर ने चाकू अपने हाथ में पकड़ा। उसे अब उस छोटी बच्ची से नफरत हो गई थी।